गीत एजुकेशन, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में मैं बताई थी द लिविंग वर्ल्ड का जो पार्ट बचा हुआ है मींस टैक्सोनॉमिक एज, वो पार्ट आज मैं कवर करवाऊंगी। पिछले क्लास में टैक्सोनॉमिक एज को छोड़ के सारा जो टॉपिक था वो मैं कवर करवा चुकी हूँ। अगर कोई नहीं पढ़े हो बेटा तो वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्लास का लिंक है, ज़रूर वो क्लास देख लीजिए और फिर इस क्लास में आइए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और ये क्लास ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और पूरे चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, ताकि मेडिकल और नीट में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी एंड पेन और लेट्स मेक इट हैपन। चलिए तो आज का टॉपिक क्या है बेटा, चलिए पहले मेरा पता नहीं इंक कैसे खत्म हो गया, आई एम सॉरी। सो टैक्सोनॉमिक एज, ओके, टैक्सोनॉमिक एज। क्वेश्चन ये आती है कि टैक्सोनॉमिक एज होता क्या है। देखिए वो कोई भी चीज जो साइंटिफिक स्टडी में या तो कोई स्पीसीज के बारे में जानने में हेल्प कर रहा है, या कोई प्लांट के बारे में जानने में हेल्प कर रहा है, या कोई एनिमल के बारे में जानने में हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज जो हेल्प कर रही है किसी भी चीज को जो साइंटिफिक स्टडी में हेल्प कर रही है, दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिक एज, ठीक है। तो पहला जो टैक्सोनॉमिक एज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो क्या होगा, वो है मोनोग्राफ, ठीक है ना, मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या है, मोनोग्राफ इज अ टाइप ऑफ बुक, ये बुक भी हो सकती है, नहीं तो ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन रहती है, कोई एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है ना, मतलब इट मे बी जीनस, मान लो इट मे बी जीनस, और इट मे बी स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज, इट मे बी फैमिली, ठीक है ना, कोई एक फैमिली, कोई एक जीनस, कोई एक स्पीसीज के बारे में जब पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हो कोई बुक या तो कोई ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले, दूसरा नंबर, दैट इज बोटैनिकल गार्डन, ठीक है ना। अब बेटा बोटैनिकल गार्डन तो आप सब लोग जा चुके हो शायद, तो बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है, वहां पे लॉट्स ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं ना, लिविंग प्लांट्स होते हैं वहां पे, बहुत सारा प्लांट्स होते हैं। और वहां पे आप देखना कि प्लांट्स के जो स्टेम है वहां पे लिखा हुआ रहता है उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, कि उस प्लांट को पहचाना जा सके, ठीक है ना। और वो जो जगह है वो किस लिए यूज होता है, देखिए क्वेश्चन में आपको कैसा आएगा, नीट का अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है और रिलेटेड टू टैक्सोनॉमिक एज, तो आपको हर एक टैक्सोनॉमिक एज का पर्पस याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पर्पस के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आता है। जैसे आपको सारा बोटेनिकल गार्डन का पर्पस दे देगा, फिर बोलेगा कौन सा टैक्सोनॉमिक एज है, तो तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका और एक पर्पस क्या है, टू एजुकेट पीपल। अब बहुत सारे पीपल और स्टूडेंट्स लिख लो, जैसे बहुत सारे लोग वहां पे जाके स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सकर्शन के तौर पर वहां पे लेके जाते हैं, जितने सारे बोटैनिक के स्टूडेंट होते हैं वहां पे एक्सकर्शन होता है, क्यों, स्टडी करने के लिए वहां पे टीचर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया टू एजुकेट पीपल एंड स्टूडेंट। नंबर थ्री, फॉर साइंटिफिक स्टडी, सेम है थोड़ा सा कि साइंटिफिक स्टडी करने के लिए भी वहां पे लोग जाते हैं। तीसरा और एक है बेटा, फॉर एक्सीटू कंजर्वेशन, ये जो पॉइंट है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलता है कि ऐसा कोई टैक्सोनॉमिकल एड बताओ जहां पे प्लांट का एक्सीटू कंजर्वेशन होता है। अब एक्सीटू कंजर्वेशन क्या है, बहुत बच्चों का ये डाउट होगा क्योंकि आप लोग 11th क्लास में हो, 12th क्लास के बायोडायवर्सिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। लेकिन इसका मतलब क्या, मैं आप लोगों को बता देती हूँ बेटा, एक्सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो उसका ओरिजिनल जगह है, मान लीजिए एक प्लांट मेरे घर के बाहर हुआ, ठीक है, लेकिन वो प्लांट वहां पे सुरक्षित नहीं है, तो उस प्लांट को लाके मैं इस रूम में रख दिया, तो ये होता है एक्सीटू कंजर्वेशन, मतलब ओरिजिनल प्लेस से निकाल के उसको दूसरी जगह पे लाना, इसको बोलते हैं एक्सीटू
कंजर्वेशन, ठीक है, नॉर्मल से बात समझ में आई ना, ठीक है। चलो तो एक सीटो कंजर्वेशन भी वहां पे करवाया जाता है। वहां पे एक वर्ड आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक सीटो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म ये मिलेगा। जर्म प्लाज्म का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी प्लांट जो एक्सटिंक्ट होने वाला है लेकिन उसका कोई पार्ट है नहीं तो सीड है जिससे वो प्लांट फिर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। एक्सटिंक्ट हो गया या इंडेंजर्ड पोजीशन में है तो उस प्लांट का कोई पार्ट नहीं तो सीड ला के वो कंजर्व किया जाता है बोटैनिकल गार्डन में, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये होता है एक से टू कंजर्वेशन। तो ये फोर पर्पसेस होती है बोटैनिकल गार्डन का। अब बेटा बोटैनिकल गार्डन में एग्जाम्पल लिख लो, जो कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेडिकल मतलब नीट के एग्जाम में पूछ देता है। तो पहला जो वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो बोटैनिकल गार्डन है वो है द रॉयल बोटैनिकल गार्डन। रॉयल बोटैनिकल गार्डन है वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन, जो कहाँ पे है, क्यूई में, और क्यूई कहाँ पे है, इंग्लैंड में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो रॉयल बोटैनिकल गार्डन है वो तो क्यूई में है लेकिन क्यूई कहाँ पे है, तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इतना तक समझ में आया, मिटा दूं, चलिए मिटा देती हूँ, हाँ ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया वर्ल्ड लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन। नेक्स्ट नेक्स्ट पोजीशन में जो आता है वो है एशियाज नंबर टू, ये आता है एशियाज लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन। ये कौन सा, ये है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। ये बहुत फेमस गार्डन है इंडिया का, जो कि हावड़ा में है, वेस्ट बंगाल हावड़ा में, ठीक है। तो इसका ये है न्यू नेम, ये वाला चीज याद रखना पड़ेगा बेटा आपको, क्योंकि एग्जाम में ना क्या करता है, नहीं तो इसका न्यू नाम से क्वेश्चन देगा, ज्यादातर लोग ओल्ड नेम से क्वेश्चन देते हैं, ज्यादातर एग्जाम में मैं देखी हूँ कि ओल्ड नेम से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है, द इंडियन बोटैनिकल गार्डन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया दूसरा नंबर पे, ज्यादातर देता है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, ठीक है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन एशियाज लार्जेस्ट है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ऐसे करके भी क्वेश्चन दे सकता है, या फेमस जो इंडिया में जो फेमस बोटैनिकल गार्डन है उसका नाम के ऑप्शन में आपको इंडियन बोटैनिकल गार्डन दे देगा। आचार्य जगदीश चंद्र बोस से न्यू नेम है लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं बता दिया, लेकिन नीट के क्वेश्चन में ज्यादातर द इंडियन बोटैनिकल गार्डन के नाम से आता है, ठीक है। चलिए अब ये फेमस क्यों है, देखिए कभी भी पॉसिबल होगा तो आप लोग जाइएगा। ये फेमस इसलिए बेटा, यहाँ पे जो ग्रेट बैनियन ट्री है, ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए, ये ग्रेट बैनियन ट्री है बेटा। और सबसे मतलब चौंकाने वाली बात है, ये जो बैनियन ट्री है ये लगभग 250 साल पुरानी है और उससे ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं लगभग बोल रही हूँ। और दूसरी बात ये है ना कि ये सारे 3 एकड़ की जमीन में सिर्फ अकेले अकेले प्लांट, अकेले इंसान नहीं, अकेले प्लांट ये वहां पे है जो सारे 3 एकड़ के जमीन में फैलाया हुआ है, ठीक है। और सबसे और एक खासियत बात क्या है, इसका जो मेन स्टेम है, इसका मेन स्टेम खराब हो गया है बेटा, लेकिन ये कैसे जिंदा है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बैनियन ट्री का प्रॉप रूट होता है, प्रॉप रूट पता है ना, उसका स्टेम से निकलता है रूट्स और वो जाके मिट्टी में मिलता है और वहां से फिर से रूट्स निकलते हैं और वो प्लांट के स्टेम जैसा बिहेव करते हैं। ये चीज भी हम लोग प्रॉप रूट्स के बारे में मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वहां पे याद कीजिएगा ये चीज को जो मैं बता रही हूँ। तो वो पूरे सारे 3 एकड़ के जमीन में फैलाए हुए बेटा, और वो इतना बड़ा कैनपी है, कैनपी मीन्स ऊपर का, ऊपर से जो दिखने में लगता है एक पेड़ के ऊपर का जो जितने सारे पत्ते वत्ते होते हैं ऊपर से जो दिखता है, वो जो कैनपी है बेटा वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आप पिक्चर में भी देख के समझ पा रहे हो कि कितना बड़ा है ये, और ये प्रॉप रूट से जिंदा है, इसका मेन स्टेम खराब हो गया, ठीक है, इसलिए ये फेमस है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर वाला। थर्ड नंबर है द
नेशनल बोटानिकल गार्डन। अब ये कहाँ है? ये है लखनऊ, इंडिया। ठीक है, द नेशनल बोटानिकल गार्डन ये लखनऊ में है जो कि इंडिया में है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, वो है NBRI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है ना, तो ये बातें याद रखना बेटा, कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन दे देता है, तो ये बातें याद रखना। NBRI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल बोटैनिकल गार्डन। ठीक है, तो ये हुआ बोटैनिकल गार्डन का 3 एग्जाम्पल। ठीक है, जो कि पूछता है, जूलॉजिकल पार्क का एग्जाम्पल नहीं पूछता है, लेकिन बोटैनिकल गार्डन का एग्जाम्पल जरूर पूछता है। ठीक है, चलो मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देती हूँ। नेक्स्ट जो टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ेंगे वो है जूलॉजिकल पार्क। तो नंबर 3 जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, तो बेटा जूलॉजिकल पार्क्स आप लोग इसमें भी घूमे हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे जानवर रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क में, जो कि एंडेंजर्ड है या नॉर्मल है, तो वहां पे रखा जाता है। वहां पे सारे जानवर होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमंस। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा मैम हम लोगों को जानवर बोल दिया, तो वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हाँ, ये डिफरेंस है कि वी आर सोशल एनिमल्स लाइक एंट्स, टर्माइट, है ना, ये सब भी आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा वहां पे सारे टाइप के जानवर होते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑल लिविंग एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल लिविंग एनिमल्स होते हैं। दूसरा क्या होता है, सेम हेल्थ फॉर हेल्प फॉर साइंटिफिक स्टडीज। और क्या होगा, और क्या होगा, आप लोग घूमने जाते हो तो आनंद आता है, तो फॉर रिक्रिएशन, टू एजुकेट पीपल। ठीक है, तो यही सब है इसका पर्पस। वहां पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जितने सारे एनिमल्स होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सॉरी, जितने सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसको वहां पे रखा जाता है, फिर वो साइंटिफिक काम में यूज आते हैं, रिक्रिएशन के लिए वो यूज होता है और स्टडी के लिए यूज होता है, टू एजुकेट पीपल और स्टूडेंट। ठीक है ना, अब देखो इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसका एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं देखा, लेकिन आप लोग लिख लो, एक एग्जाम्पल जानना जरूरी होता है। जूलॉजिकल पार्क का पिक्चर दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो, आप लोग घूमे भी हो बहुत लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा जूलॉजिकल पार्क, समझ में आई सबको? ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ेंगे अबाउट म्यूजियम। ठीक है, नंबर 4। ओहो, आज पता नहीं सारा मार्कर क्या हो गया, मेरा सारा मार्कर पता नहीं खराब क्यों हो गया। नंबर 4 दैट इज म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम। अब म्यूजियम में क्या होता है बेटा, म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में रहता है प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट। ठीक है, तो यहां पे रहेगा आपका प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, जो बहुत दिन पहले था अभी नहीं है, उसको फ्यूचर जेनरेशन को जानकारी देने के लिए कि ऐसा भी कुछ था, ठीक है ना, तो उसको एक जगह पे एक रूम के अंदर रखा जाता है और उसको बोलते हैं म्यूजियम। यहाँ पे देखिए जो प्रिजर्व्ड एनिमल्स और प्लांट को रखा जाता है वो ड्राई हो सकता है, वो स्टफ्ड एनिमल्स हो सकता है। स्टफ्ड एनिमल्स मतलब बड़ा सा कोई एनिमल्स है, उसका अंदर का सब जितने सारे हैं चीजें, हाँ, इंटेस्टाइन, फिर जितने सारे अंदर का चीजें होती हैं, हार्ट बोलो, स्टोमैक बोलो, वो सारा कुछ निकाल दिया जाता है और उसके अंदर स्टफिंग कर दिया जाता है, क्योंकि अंदर का अगर सारा कुछ निकाल दिया जाएगा तो आप पिचक जाओगे ना, तो अंदर में स्टफिंग कर दिया जाता है और उसको वहां पे रख दिया जाता है कि उसको देख के लोग जाने के, जैसे डायनासोरस मान लो,
तो उसको भर के रख दिया गया कि ऐसा ऐसा भी कोई एनिमल था एक टाइम में, ठीक है ना, एक पीरियड में, एक जूलॉजिकल पीरियड में ऐसा भी कोई एनिमल था। तो ये हो गया स्टफ्ड एनिमल। दूसरा क्या होता है, कोई भी स्केलेटन हो सकता है, स्केलेटन हो सकता है मतलब कोई भी हड्डी। अब डायनासोर का हड्डी मिलता है तो लिखते हैं कि इतना बड़ा उसका टांग है, इतना बड़ा उसका पूछ है, तो एनिमल कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। तो कैसे पता चलता है, उसका स्केलेटन मिला और वो स्केलेटन आके रख दिए कहाँ, म्यूजियम में। दूसरा और क्या होगा, ड्राइड इंसेक्ट हो सकता है, ड्राइड इंसेक्ट हो सकता है। जैसे एक बार मैंने जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ वहां पे एक था म्यूजियम, और वहां पे जाके मैं देखी थी कि जितने सारे पहले के कुछ बटरफ्लाइज थे उसका कलर कुछ डिफरेंट होता था, ठीक है। अभी जो कलर पैटर्न है पहले थोड़ा सा डार्क कलर का होता था, ठीक है ना। आप लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है, ये भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी। तो वहां पे क्या होता है बेटा, डार्क कलर का बटरफ्लाई होता था, ठीक है ना। तो वो डार्क कलर कैसे आया, कैसे क्या हुआ, वो सारा कुछ वहां पे पिन करके चिपकाया हुआ है कि ऐसे टाइप का बटरफ्लाई था उस टाइम में। तो ये भी होता है, ड्राइड इंसेक्ट भी वहां पे रखा जाता है, ठीक है। और एक चीज रखा जाता है वो है फॉसिल्स, नीचे में दिख रहा है ना आपको, फिर भी मैं बता दूं। एक तो ड्राई कोई स्पेसिमेन रख सकता है, नहीं तो स्टफ्ड एनिमल, स्केलेटन, ड्राइड इंसेक्ट, नहीं तो फॉसिल्स, ठीक है ना। फॉसिल्स आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर एनिमल्स वो एक्सटिंक्ट हो गया हो उसका कोई भी पार्ट हो सकता है, उसका इम्प्रेशन हो। इम्प्रेशन मतलब जैसे वो बहुत दिन से एक जगह पे था, वो मर गया, उसका सारा शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका जो साइज था वो वहां पे मार्क रह जाता है, दैट मार्क इज नोन एज इम्प्रेशन। तो वो इम्प्रेशन हो सकता है, कोई हेयर हो सकता है, कोई स्केलेटन हो सकता है। तो ये माना जाता है फॉसिल्स कि वो एक्सटिंक्ट तो हो गया लेकिन उसका कुछ पार्ट छूट गया, ठीक है ना। तो उसको रखा जाता है प्रिजर्व करके, दैट इज नोन एज फॉसिल्स। तो इसलिए यूज होता है म्यूजियम, और म्यूजियम में भी लोग स्टडी करने जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं वहां पे देखना कि हम लोग का जो पास्ट जनरेशन था, पास्ट के जो जूलॉजिकल पीरियड में एनिमल्स थे वो कैसे थे, ठीक है। म्यूजियम समझ में आ गया बेटा? एनी टाइप ऑफ डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मिटा देती हूँ मैं। चलिए, तो म्यूजियम तो आपको समझ में आ गया। तो एक म्यूजियम का एग्जाम्पल लिख लीजिए जो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ठीक है ना, सबसे फेमस सबसे बड़ा म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम। और वो कहाँ है, वो है कोलकाता में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये हमारे कंट्री का लार्जेस्ट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ये सबसे बड़ा है, द इंडियन म्यूजियम, ठीक है, द इंडियन लिखो, सॉरी, द इंडियन म्यूजियम। तो ये हो गया म्यूजियम के बारे में डिटेल, ठीक है, समझ में आ गए। चलिए, म्यूजियम हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप कितना नंबर पॉइंट आया वो तो मैं भूल गई, शायद नंबर 4 होगा, ठीक है, लिख दे रही हूँ, अगर गलती होगा तो ठीक कर लेना। तो नंबर 4 में आ जाते हैं हर्बेरियम, हर्बेरियम। अब बेटा हर्बेरियम में क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम में मान लीजिए कोई प्लांट का पार्ट, ठीक है, उसको पहले, उसका जो नियम है वो मैं बताती हूँ, उसको पहले धूप में सुखाया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाता है, फिर एक शीट में, मीन्स एक पन्ने में उसको चिपकाया जाता है अच्छे से, और फिर उस प्लांट के बारे में उसका जो क्लास है, जो फैमिली है, जो ऑर्डर है, जो जीनस है, जो स्पीसीज है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है हर्बेरियम। ये क्यों होता है, ये हेल्प करता है स्टडी में, जो बोटानिकल स्टूडेंट होते हैं वो, मान लीजिए हर जगह तो वो प्लांट मिलती नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास वैसा एक हर्बेरियम शीट रहेगा तो हमको घर बैठे या उसी इंस्टीट्यूट में बैठे सारा जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो वो होता है हर्बेरियम शीट। यहाँ पे क्या होता है, ड्राई प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आप प्लांट स्पेसिमिन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी प्लांट पार्ट्स को लाकर ड्राई किया, फिर उसको प्रेस्ड किया एक शीट में और उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है, ये होता है हर्बेरियम। अब बेटा हर्बेरियम का जो शीट होता है, ठीक है, हर्बेरियम का जो शीट होता है वो कैसे होता है, इसका जो ब्रेथ होता है बेटा वो 29 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और जो लेंथ होता है वो होता है 43 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो लेंथ होगा वो होगा 43 सेंटीमीटर। अब जो ये है इंडिया का, ठीक है, और अमेरिका का क्या होता है,
अमेरिका जो का जो हर्बेरियम शीट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसका लेंथ थोड़ा सा बड़ा छोटा होता है, इसका ब्रिथ है 29 सेंटीमीटर लेकिन जो लेंथ है बेटा वो है 41.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया हर्बेरियम शीट, और इसके राइट साइड नीचे कॉर्नर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है, जो भी प्लांट इसमें आप चिपकाए हो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप बहुत सारा प्लांट को प्रिजर्व करके रख सकते हो, और इसीलिए इसको बोला जाता है ड्राई गार्डन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा बेटा जो आपको हर्बेरियम डायरेक्टली नहीं तो बोलेगा, लेकिन बोलेगा ड्राई गार्डन के बारे में, तो ये पॉइंट दिमाग में रखना। ठीक है, हालांकि ये बात है कि द लिविंग वर्ल्ड से एक या बहुत ज्यादा हुआ तो दो ही क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता है कभी कभी, लेकिन एक भी आए तो हमको क्यों छोड़ना। ठीक है ना, तो इसलिए ये छोटी छोटी बात को याद रखना, अंडरलाइन कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी बेटा उसको जरूर अंडरलाइन कर लो। ठीक है, मैं मिटा दूं। चलिए, हर्बेरियम के रिलेटेड बेटा कुछ टाइप स्पेसिमेन होती है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। टाइप स्पेसिमेन मतलब हर्बेरियम का स्पेसिमेन कितने टाइप का होता है, लेकिन आज तक मैंने कोई सवाल नहीं देखा है इसके रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि ये पढ़ाना बताना चाहिए, तो मैं इसका इंट्रो थोड़ा सा बता दूंगी कि अगर आ जाए तो आप लोग लिख पाओ, लेकिन जनरली आज तक मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा नेट में। ठीक है ना, तो चलिए वो मैं लास्ट में बताऊंगी। हर्बेरियम कवर हो गया, मैं मिटा दूं, मिटा देती हूँ बेटा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड पर, वो है की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। की क्या है, की में क्या रहता है, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट होता है, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट। ठीक है, और वहां पे दो स्टेटमेंट रहेगा, दो स्टेटमेंट, उस दो स्टेटमेंट को आपको इस तरह से वहां पे आंसर दिया जाता है ना कि आपको कोई एक स्पीसीज को एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरा जानकारी मिल जाती है। कैसे, वो मैं एग्जांपल यहाँ पे करवाऊंगी तो पता चलेगा आपको। तो जो दो अल्टरनेट स्टेटमेंट रहता है उस दो स्टेटमेंट को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा, कॉपलेट। ठीक है, और वन स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देगा तो इसी से देगा, डायरेक्ट की से नहीं देगा। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट स्टेटमेंट होता है तो दो स्टेटमेंट को एक साथ क्या बोला जाता है, कॉपलेट, एंड सिंगल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, लीड। अब देखिए बेटा, अच्छा ये होता है एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा एनालिटिकल की, किसका नेचर क्या होता है, तो एनालिटिकल होता है। क्यों, देखिए मान लीजिए दो स्टेटमेंट है, आपको दो में से एक को चूज करना और एक को रिजेक्ट करना रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, ये एग्जांपल दे रही हूँ नॉर्मल एग्जांपल जो आपके लाइफ पे रेगुलर होता रहता है। मान लीजिए आपको फोन में कोई दिक्कत हुआ, रिचार्ज में कोई दिक्कत हो गया, आप रिचार्ज किए और रिचार्ज नहीं हुआ, तो आप कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं और क्या बोलता है, अगर आपको आपके फोन में कोई दिक्कत है तो एक दवाइए, दो अगर कस्टमर केयर से बात करना है तो दो दवाइए, तो आप दो को रिजेक्ट करके एक को सिलेक्ट करते। क्यों, क्योंकि आपको वहां पे जाना सही लगा, तो एक को दवा के फिर आपको बोलता है अगर ये प्रॉब्लम है तो जीरो दवाइए, ये प्रॉब्लम है तो नौ दवाइए, तो आप जीरो दवाना ज्यादा बेटर समझते हैं देन नाइन, तो नाइन को रिजेक्ट करके जीरो को दबाते, इस तरह से आपका जो मंजिल है वहां पे पहुंचते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कीज भी वैसा है। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ बेटा, मान लीजिए यहाँ पे है पहला एग्जाम्पल, क्या दू, यूनिसेलुलर। If you want to know about unicellular animals, then go to 2. ठीक है? और if you know about, want to know about multicellular animal, then go to 3. ये पहला स्टेटमेंट है। ठीक है? ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में क्या होगा बेटा? मान लीजिए अब go to 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला आप लिखते हो कि न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, एंड न्यूक्लियस एब्सेंट। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट किसका रहता है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट किसका रहता है यूनिसेलुलर एनिमल में, तो तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर ही वो है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है किसमें, प्रोटिस्टा में, और एब्सेंट रहता है मोनेरा में। ठीक है, अब मल्टीसेलुलर होगा तो गो टू 3 बोला है, तो गो टू 3 में जाके क्या पाए हम कि ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स,
तो ऑटोट्रोप्स अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं प्लांटाई, मल्टीसेलुलर है सो प्लांटाई। हेटरोट्रोप्स के बारे में जानना है तो गो टू फोर, ठीक है, ये है एक एग्जांपल। आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। पहले आप गए, पहला पन्ना खोले, तो वहां पे लिखा है यूनिसेलुलर के बारे में जानना है तो दो नंबर पे जाइए पेज पे, और मल्टीसेलुलर के बारे में जानना है तो तीन नंबर पेज में जाइए। तो आपको यूनिसेलुलर के बारे में जानना है तो आप दो नंबर पेज में आ गए। वहां पे लिखा है न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, प्रोटिस्टा में, और न्यूक्लियस एब्सेंट है मोना में। आपको पता चल गया, पता चला कि नहीं? फिर देखिए, अगर मल्टीसेलुलर के बारे में जानना है तो तीन नंबर पे आ जाइए। तो वहां पे क्या है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, प्लांटाई, और वो क्या होता है, मल्टीसेलुलर। हेटरोट्रॉप्स के बारे में जानना है तो फिर से फोन नंबर पे जाइए। तो ऐसे करके धीरे धीरे एक स्टेटमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है, दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करना रहता है। इस तरह से आप कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जान पाते हैं धीरे धीरे करके डिटेल में, ठीक है। This is K, और that's why it is analytical in nature. This is very important point. इसको याद रखना जरूर। Question मैं पूछूंगी, देखती हूँ किस किस को याद रहता है, ठीक है। चलिए मिटा देती हूँ इसको। चलिए चलिए, तो ये हो गया आपका केस। नेक्स्ट जो क्या आपका क्या बोलते हैं उसको, टैक्सोनॉमिक एड्स है, वो है आपका मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट मैनुअल, मैनुअल में क्या रहता है बेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल में दिया रहता है, उसको बोलते हैं मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा है प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया और ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो दोनों तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक जोन है, इस जोन के अंदर कितने सारा प्लांट है, कितने टाइप के प्लांट है, दैट इज फ्लोरा। नहीं तो कुछ एक टाइम पीरियड दे दे कि 1900 लेके 2000, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में कितना सारा स्पीसीज है एक पर्टिकुलर एरिया का, प्लांट स्पीसीज है, दैट इज नोन एज फ्लोरा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, पूरा हैबिटेट, उसका हैबिट क्या था, हैबिटेट, एंड वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा बोला जाता है, ठीक है। और इसी का ये प्लांट्स है, अगर एनिमल्स के बारे में सेम चीज बोले तो उसको बोलते हैं फौना, ठीक है। ये एनिमल्स का है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर एरिया का जितने सारे एनिमल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फौना, और वो भी हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है वहां, ठीक है। ये हो गया, एंड द लास्ट वन दैट इज कैटलॉग। ज्यादातर बुक में इसके बारे में तो नहीं होते हैं, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम, ठीक है। कैटलॉग में क्या होता है, कैटलॉग में कोई पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज, ऑल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड, ठीक है। अल्फाबेटिकल वे में उसको अरेंज किया हुआ रहता है, लेकिन ये आपको लगेगा कि ये फिर ये दोनों का तो सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, हैबिटेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का थे, लेकिन यहाँ पे बेटा उतना डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, बस नाम वाइज उसको बस दिया रहता है, नाम एक लिस्टिंग रहता है, दैट इज नोन एज कैटलॉग, ठीक है। तो ये था आपका बेटा पूरा टैक्सोनॉमिकल एड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया, एक भी पॉइंट इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लो बेटा, इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और पिछले वाला क्लास अगर भूल गए हो करना तो जरूर देख लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सब लोग वहां पे प्रेजेंट रहना बेटा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए अब लास्ट जो टॉपिक में बताई थी कि वो मैं लास्ट में बताऊंगी, दैट इज टाइप स्पेसिमेन ऑफ हर्बेरियम, वो मैं अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है, मिटा देती हूँ इसको। चलिए तो मैं बोली थी कि टाइप स्पेसिमेन ऑफ हर्बेरियम सीड का जितने सारे टाइप स्पेसिमेन है उसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के रखो, ठीक है। सो हेडिंग करो बेटा, टाइप स्पेसिमेन ऑफ हर्बेरियम शीट, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट में बेटा पहला जो स्पेसिमेन क्रिएट किया जाता है या आप बनाते हो उसका नाम होता है होलोटाइप, ठीक है, मींस फर्स्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड,
फर्स्ट स्पेसिमेन प्रिपेयर्ड, पहला शीट जो आप प्रिपेयर किए कोई एक प्लांट को लेकर, ठीक है ना, उसको बोलते हैं होलोटाइप। फिर आता है, इंक चेंज कर लो, फिर आता है आपका लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप का मतलब देखो, लेक्टो लॉस्ट, इफ होलोटाइप इज लॉस्ट, मतलब आपका जो पहला सीट बनाए थे वो कहीं खो गया नहीं तो खराब हो गया, तो सेम प्लांट से दूसरा शीट बनाया जाता है, सेकेंड शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेम प्लांट। हो गया, ये हो गया लेक्टोटाइप। देन आपका आता है नंबर थर्ड, नियोटाइप। नियोटाइप कब होगा? जब होलोटाइप भी गया और प्लांट भी गया, सो होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट, तो तब क्या करेगा? ओरिजिनल प्लांट तो गया लेकिन और एक शीट प्रिपेयर किया जाता है, और कहां से? अदर प्लांट फ्रॉम द सेम स्पीसीज। मान लो रोज का प्लांट हो तो रोज का प्लांट से ही दूसरा सीट प्रिपेयर करेगा, लेकिन रोज का जो स्पीसीज पहले चूज किया था कि गुलाबी फूल होगा, रेड नहीं, गुलाबी फूल होगा, और वहां पे उसका जो कांटा होगा वो छोटा रहेगा, वो जो सेम स्पीसीज होना चाहिए, डिफरेंट नहीं। कि आप चूज किए पहले वाला सीट प्रिपेयर किए थे उसका कलर था रेड और दूसरे वाला कलर में आप येल्लो चूज कर लिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, सेम स्पीसीज होना चाहिए। तो सीट प्रिपेयर्ड, न्यू शीट, न्यू मीन्स न्यू, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, न्यू शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर फोर, इसके बाद आता है बेटा सिनटाइप। सिनटाइप मतलब बहुत सारा, यहां पर भी क्या होता है, मान लीजिए होलोटाइप एंड ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट, दोनों गया, ठीक है, ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट, तब क्या होता है? तब मेनी शीट्स प्रिपेयर, सीन मतलब मेनी, बहुत सारा, मेनी शीट प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेनी प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, इस चीज को अच्छे से इतना तक समझिए, और कुछ बचा है उसको मैं बता देती हूँ। होलोटाइप में क्या होगा, फर्स्ट स्पेसिमेन, फर्स्ट जो सीट आप प्रिपेयर्ड किए, दूसरा लेक्टोटाइप में होलोटाइप गया लेकिन ओरिजिनल प्लांट है तो ओरिजिनल प्लांट से सेकेंड सीट आप प्रिपेयर कर लिए। न्यूटाइप में क्या, न्यू मीन्स न्यू, सो होलोटाइप गया, ओरिजिनल प्लांट गया, तो और एक सीट आप प्रिपेयर्ड करते हो कोई अलग प्लांट से, कोई मतलब नया प्लांट से जो कि सेम स्पीसीज का हो, ठीक है। और सेम टाइप में क्या, सेम होलो एंड ओरिजिनल प्लांट लॉस्ट हो जाता है, लेकिन आप बहुत सारा प्लांट से बहुत सारा सीड प्रिपेयर करते हो लेकिन जो प्लांट होगा वो सेम स्पीसीज का होगा, इसको मैं मिटाती हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो है आइसोटाइप, नंबर फाइव, ठीक है। आइसोटाइप, आइसो मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब सेम एकदम हूबहू, ठीक है ना। तो आइसोटाइप में क्या होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, मतलब होलोटाइप में जैसा सेट हम लोग प्रिपेयर करे किए थे उसी प्लांट से, उसी प्लांट का पार्ट लेके हम लोग सेम टू सेम और एक शीट प्रिपेयर करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटाइप। एंड द लास्ट वन इज पैराटाइप। पैराटाइप में क्या होता है, होलोटाइप है उसके बावजूद अनदर सीट प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अदर प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज, प्लांट होगा सेम स्पीसीज विथ सम वेरिएशन, ठीक है, मतलब सेम स्पीसीज का प्लांट है लेकिन वहां पे थोड़ा मोड़ा कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है, डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, तो उस प्लांट को लाके जब हम स्ट्रीट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैराटाइप। चूंकि क्या है, वो सेम स्पीसीज का है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन दिखा रहा है। वेरिएशन क्या है कि सेम है, जैसे मान लीजिए
पेरेंट है, पेरेंट जैसे मैं मेरा भाई, हम दोनों मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों तो सेम जगह से आए हैं, लेकिन फिर भी दोनों एकदम हूबहू नहीं दिखते, क्यों? ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है ना? तो ये वेरिएशन चैप्टर आप जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे इन द क्लास 12 जेनेटिक्स चैप्टर में, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी के लिए तो इतना समझ के रखिए जो मैं एग्जांपल दी हूँ, ठीक है? आई थिंक आज जो पढ़ाई हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म कर लीजिए, फिर इसके बाद मेरे साथ क्विज सॉल्व कीजिए, क्विज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है? और दूसरा बात है कि हर रविवार को मेरा क्लास आप लोगों के लिए आएगा, जरूर देखिए और उसके बाद मेरे साथ जरूर क्विज सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वहाँ पे सारे किंगडम के बारे में हम लोगों को पता चलेगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कौन क्या फर्स्ट प्रपोज किए थे किंगडम के बारे में, कौन इसके बारे में बताए थे, ये सारा कुछ जानेंगे उस चैप्टर में। तो ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगा तो जरूर शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सारांश के क्लास में, क्विज सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।